हेलो गाइज, वेलकम टु आवर च्यानल रियर्स वान्स अगेन। अन्त आज चाहिँ हामी फेरि घुम्नको लागि निस्केको छौँ बिहानै। अन्त आज चाहिँ हामी आगरा जाँदैछौँ। अन्त अब यहाँबाट हामी पहिला मेट्रो जाने हो, मेट्रोबाट गएर चाहिँ फेरि नेक्स्ट स्टेसनमा उत्रिनेछ पटेल चौक। त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो बस छ 7:15 भन्दैछ रिपोर्टिङ टाइम। सो अब हामी त्यहाँ पुग्नेछौँ। सो स्टे ट्युन एभ्री वान एन्ड किप इन्जोइङ। बिचराले अत्तालिँदै जाँदैछौँ किनभने हाम्रो बोर्डिङ पोइन्ट चाहिँ चेन्ज हुन्छ। अन्त हामी पटेल चौकबाट चढ्नु भनेको, तर हामीलाई फेरि आर्के आश्रमबाटै चढ्नुपर्छ भने, किनभने 26 जनवरीले गर्दा रोडहरू सबै ब्लक भएको रहेछ है। त्यसै कारण हामी फेरि मेट्रो चेन्ज फेरि अझै टाढो आर्के आश्रम जान्छ, किनभने आर्के आश्रम चाहिँ हाम्रो यहाँबाट चाहिँ अलिकति टाढो पर्छ। त्यसै कारणले गर्दा टेन्सन भएन, धन्न हामी चाहिँ टाइममै आइपुग्यौँ है। अन्त अब एकछिन यहाँ बसेर 7:15 डिपार्चर रहेछ यहाँबाट चाहिँ बसको। अन्त नट अन्ट हामी 7:25 पटेल चौक देखाउँछ, त धन्न टाइममै आइपुग्यौँ हामी है। सो धन्न मेट्रोको कनेक्टिभिटी राम्रो छ र मात्रै दिल्लीमा, अन्त छिटै आइपुग्यौँ। सो हाम्रो बस पनि आइसक्यो यहाँनिर है, यहाँनिर बस पनि टिक्कै लागिरहेको छ। अन्त अब 7:15 छ यहाँबाट चाहिँ। अन्त दिल्लीबाट चाहिँ जिङ्क लाउन्च चाहिँ यस्तो छ, सलिल एन्टरप्राइज भन्ने यतापट्टि चाहिँ, अन्त जिङ्क बस लाउन्चको चाहिँ यतानिर छ। यता क्याफेहरू पनि छ, बस्ने जग्गाहरू पनि छ है। यहाँबाट चाहिँ चढ्छौँ हामी। अस्ति हामी मनाली पनि यहीँबाट गएको हो। अन्त फेसिलिटी राम्रो छ यतानिर चाहिँ, अन्त जिङ्क बस बाहिर लागिरहेको छ है। सब हामी चाहिँ निस्क्यौँ है आगरातर्फ। आज पनि हाम्रो नेक्स्ट ट्रिप अब ताजमहल जाँदैछौँ। अस्तिदेखि हामीले प्लान गरिरहेको थियो, उसको तर छुट्टी नमिलेर आज फेरि अफ डे छुट्टी मिल्ने कि त अब निस्किहाल्ने हो कहाँ कहाँ। अन्त चिसो अन्त घर बस्दा फेरि यस्तो राम्रो, म त निस्किदिइहाल्छु है। अब जाने पर्ने हो, निस्क्यो हिँड्यो बस पनि, अब इन्जोय गर्ने भएको चाहिँ। अहिले हामी फिलहाल चाहिँ बाटोमा रोकिरहेको छौँ चिया पिउनुको लागि। अन्त यहाँ कति 15-20 मिनट रोक्छ भन्दैछ है, कस्तो जग्गा छ हामी है यहाँ चिया खाने जग्गा। अब चाहिँ सायद हामी पुग्न लागेको छौँ, नै छौँ। तर यहाँनिर चाहिँ जो जो मथुरा वृन्दावन झर्नेहरू छ, उनीहरू चाहिँ यहाँ आधी बाटोमा झरेर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ उनीहरू अटो पक्रेर जानु पर्दो रहेछ। तर हामी चाहिँ अब सिधा आगरामै उत्रिने हो। अन्त पनि लाग्दैछ अब लाग्यो मलाई छैन, मलाई त अब चाहिँ 11:15 चाहिँ चाहिँ अब ताजमहलको छेउमा आइपुग्यौँ। अब एन्ट्री गेटबाट चाहिँ भित्र जाँदैछौँ है। पिछे चाहिँ यस्तो छ, उपर चाहिँ एन्ट्री गेट रहेछ, बस स्टपकै छेउमा छ। एकछिन हिँडेर चाहिँ अन्त अब भित्र जाँदैछौँ। अर्चो ताजमहल ताजमहल भन्दै थियो, आइ पनि पुगेँ, तर मलाई त्यो अलिकति ट्राफिकले गर्दा अलिक टाढो लाग्यो है। हेरौँ भित्र कस्तो छ। सो स्टे ट्युन एभ्रीवन एन्ड टु इन्जोय द भ्यू अफ ताजमहल। भित्र गएर तपाईँहरूलाई देखाउनेछु ताजमहल। अब हामी बुकिङ काउन्टरमा पुग्यो, लाइन लगाएर चाहिँ अब टिकट काट्ने हो, अन्त भित्र जाने हो। हेरौँ कति लाग्ने रहेछ चार्जेसहरू। हाम्रो सेक्युरिटी क्लियरेन्स पनि भयो, पुरा चेक गर्दोरहेछ। अन्त खानेकुराहरू केही भित्र लानु चाहिँ दिँदैन रहेछ। अन्त हामीले एउटा गाइड पनि हायर गरेको छु, जसले चाहिँ भित्र गएर मजाले सम्झाउने छ, बुझाउने छ है। हाम्रो गाइड चाहिँ यहाँ जाँदैछ, जाँदैछौँ भित्र हेरौँ। यस्तो छ भित्रको भ्यू चाहिँ, ब्याक साइडको चाहिँ यस्तो छ है। भ्यू चाहिँ यस्तो छ भित्रको चाहिँ।
11 इस तरफ है, 11 पीछे है, टोटल कितना हो गया 22। ताजमहल 22 साल में बनाया गया था, इसलिए 22 है। अच्छा, उस टाइम में कैलकुलेटर कंसिडर नहीं थी, जब भी साल में चीज बना डोम रख दिया था, तो एक निशानी ताजमहल 22 साल में बनाया गया। व्हाइट मार्बल में ब्लैक राइडिंग में लिखा है, ये हॉली बुक कुरान है, जो मुस्लिम बुक होती है ना कुरान, ये कुरान की मॉर्निंग से लिखी गई है अरबिक लैंग्वेज में। ये ऐसा लग रहा है ऐसा कलर के पेंट है, लेकिन ना कलर है ना पेंट है, ये ब्लैक से जो बेल्जियम से मंगाया गया था। इसमें मार्बल को टेक इट आउट करके स्टोन इसमें फिक्स करेंगे, जैसे इंडिया वो तो बोलते हैं मोजाइक। जो व्हाइट मार्बल पे रेड स्टोन, ये ताजमहल का बहुत फेमस स्टोन है। मूनलाइट होती है ना शरदपुरी में, जब फुल मून इस पर पड़ता है तो स्टोन स्पार्किंग होता है। ये कैसे चमकता है इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। जब हमने यहाँ पर छोटे छोटे रूम देखे हैं, पूरे एरिया में 210 रूम है। ये उस टाइम में लेबर इंस हुआ करते थे वो कर, अब मैं आपको अंदर एक्सप्लेन करूँगा। आज यो गेटबाट चाहिँ पहिला लेबरहरू आउँदाखेरि चाहिँ ताजमहल बनाउँदा लेबरहरू आउँदा चाहिँ यो गेटबाट आउँदो रहेछ। सो हामी अब भित्र जाँदैछौँ है। सो वी आर इनसाइड द ताजमहल, अन्त अब चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँबाट ताजमहल देखाउनेछु। यस्तो दामी देख्दैछ है ताजमहल। ताजमहल का मीनिंग होता है क्राउन पैलेस। ये शाहजहाँ ने तीसरी बीवी की याद में बनाया था, जिन्हें बोलते हैं मुमताज़। उनका असली नाम था अंजुमन बानो बेगम, लेकिन वो बहुत खूबसूरत थी, इसलिए शाहजहाँ ने यह नाम बोलता मुमताज़। जब ताजमहल बनना स्टार्ट हुआ 1631 में और बन के कम्प्लीट हुआ 1653 में, टोटल 22 साल है। इसलिए यहाँ 16 गार्डन बनाए गए और 53 फाउंटेन, तो 1653 में बना ये मेमोरी है, 16 गार्डन 53 फाउंटेन 53। तो ये मेमोरी हम लोग ताजमहल चारों तरफ से देखेंगे, सेम डिज़ाइन है, सिमेट्रिकल बिल्डिंग। जब ताजमहल के चार पिलर दिख रहे हैं, ये ऐसे स्ट्रेट दिख रहा है, लेकिन स्ट्रेट नहीं है, चारों इस तरीके से टेढ़े हैं। ये इसलिए बनाए गए टेढ़े, जैसे कभी भी आगरा शहर में भूकंप तूफान वगैरह आता है तो ये मेन बिल्डिंग पर नजरें बारकी से, ये चारों स्ट्रेट टेढ़े बनाए गए। जो इसके मैन आर्किटेक्चर थे वो बहुत टैलेंटेड थे, उनका नाम था अमानत खान शिराजी, जिन्हें ईरान से बुलाया गया। ताजमहल फेमस है तीन वर्क से, स्क्रीन कार्बन इल्ले। जो हम ये कलरफुल स्टोन देख रहे हैं, इसे इल्ले वर्क बोलते हैं, मोजाइक कार्बन वर्क। ये तीनों हैंड वर्क है, उस टाइम में कोई मशीनें वगैरह नहीं थी, ये सारी कारीगरी हाथ से की गई है। जो इसमें 20,000 मजदूरों ने काम किया था, उनकी फैमिली आज भी यही वर्क यही टेक्निक यूज़ करते हैं। तो इसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा कैसे बनाते हैं और कैसे स्टोन शाइन करते हैं। हामीले चाहिँ अब भित्र आएर ताजमहलभित्र पस्नको लागि फेरि 200 रुपिस पर पर्सन काट्नु पर्ने रहेछ, अन्त हाम्रो त्यो गाइडले नै काट्नु गएको छ है। अन्त भित्र भिडियोहरू पनि गर्नु दिँदैन रहेछ, तर हेरौँ के हुन्छ है। यहाँ रहेछ ताजमहल चाहिँ बाहिरबाट, भित्र त भिडियो गर्नै दिँदैन रहेछ नि त है। हामी ताजमहलको जस्ट अगाडिपट्टि छौँ, तर भित्र चाहिँ भिडियोग्राफी गर्नु अलाउ छैन रहेछ। यहाँ पछि चाहिँ ताजमहल छ, एन्ट्रेन्स चाहिँ त्यहाँबाट उनीहरूले परबाट छ है, यतापट्टिबाट यहाँबाट छ एन्ट्रेन्स। अन्त यहाँ चाहिँ यस्तो मजाको भ्यू छ, क्या दामी है भनौँ। यता र टिकट काउन्टर छ है, एन्ट्रेन्स चाहिँ उपर हो, अन्त ताजमहलको एन्ट्री गेट चाहिँ हौ यताबाट हो, ठिकै छ। This is Taj Mahal है, यहाँ पीछे से Taj Mahal। ताजमहल भित्र जाँदाखेरि चाहिँ यस्तो सु कभर लगाएर जानुपर्ने रहेछ हो। अब यो चाहिँ हामी बाहिर निस्केर चाहिँ डिस्पोज गर्नेछौँ। कस्तो आजको रिटर्नको टिकट क्यान्सल गर्नु पनि मिल्दैन, त्यही भएर चाहिँ नेक्स्ट टाइम आगरा फोर्टको लागि चाहिँ अनि फेरि
मथुरा र वृन्दावन पनि कभर गर्ने छ हामीले है. त्यो त अब कहिले हुन्छ हेरौँ, नेक्स्ट मेबी नेक्स्ट सिफ्टिङमा. राम्रो छ. अब बाहिर कुनै कहाँ लान्छु भन्दैछ है गाइडले. उसके बाद हम लोग अब बाहर चलते हैं, बाहर में आपको वो वर्क वगैरह देखा था जो स्टोन स्पार्किंग करता है, उनकी फैमिली वर्क. फिर उसके बाद आपको साड़ी देखा था जो यूनिवर्सल करता सेंटर में पड़े सर टेस्ट करा था लेते आज ऐसे यहाँ बड़े से यो गेट पड़ा से हम यहाँ बाहर निश्चिंत हैं ताजमहल को. अब से हम ये ताजमहल विजिट कर रहे हैं. यहाँ बड़े बाहर फेमस यहाँ को पेट्टा है मिठाई पेट्टा मिठाई भनेर चाहिँ हौ त्यो पनि मिक्सिङ यसो त्यस्तो कोकोनट फ्लेभर र म्याङ्गो फ्लेभर ए चक्लेट फ्लेभरको छ. अब यहाँबाट चाहिँ हामी अब अन द वे इन्डिया बस स्टप जाँदैछौँ. त्यहाँनिर इन्केस खाना खानेछौँ अन द वे, अन्त टाइम भयो भने चाहिँ आगरा फोर्ट पनि भिजिट गर्ने प्लान त गर्दैछौँ, तर टाइम चाहिँ हाम्रो त्यस्तो छैन. अन्त सो हेरौँ के हुन्छ. इन्डियन स्टेट हुन्छ है बाटो कम भनेर न सफा राखेको है, वाल पेन्टिङहरू क्या मजाले गरेको. चाहिँ हामी दिल्ली दरबार रेस्टुरेन्टमा आइरहेको छौँ हो. अन्त हामीले के अर्डर गर्यो भन्नु देखाइदेऊ न. यहाँ छु दिल्ली स्पेसल चिकन एन्ड मटन थाली, अन्त चाहिँ मटन राइस र चिकन राइस आइसक्यो हो. अब चाहिँ हामी खानेछौँ है रोटी पनि आउँदो रहेछ नान जस्तो रहेछ. हामी चाहिँ बस स्टपमा छिट्टो आएर बस्नु चाहिँ यस्तै फाइदा छ. आगरा फोर्ट पनि हेर्नु पाएन. 4:40 बस जान्छ, त्यो खाना खाने जग्गामै अलिकति टाइम ज्यादा स्पेन्ड गरेर हामी चाहिँ यता बस स्टप सिधै आयौँ. यहाँ पर्खिरहेको छौँ 4:40 बसको लागि. अब यहाँबाटै बोर्डिङ गर्नुपर्ने रहेछ. पर्खिरहेको छ कति बजी आउँछ. अब थाक्यो ओर्छु जाने आगरा फोर्ट चाहिँ यतै बसेर आगरा फोर्ट जाउँ भने खाँदै बसिसकेको छ. यहाँबाट चाहिँ अलिकति जिङ बसको उयो छैन रहेछ है, राम्रो यहाँ चाहिँ छैन रहेछ आगराबाट चाहिँ. हाम्रो अब बस पनि आयो पर्खिँदा पुरा यहाँनिर यस्तो धुलो मनाली र त्यो दिल्लीको जिङ बसको लन्च चाहिँ यतानिर छैन रहेछ. त्यही नर्मल त्यो स्ट्यान्ड नै रहेछ. अन्त त्यहीँ पर्खिँदा पुरा टाइम पुरा बित्यो. अन्त बल्ल आयो बस त टाइम चाहिँ ठिक्कै टाइमिङमै आयो. हामी 4:40 भन्नु त ठिकै आयो. अब हिँड्यो पनि बस. सो आजको आगरा फोर्टको लागि हाम्रो अब ब्लग यति नै हो है. अन्त होप यु इन्जोय द भिडियो. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ आवर भिडियो गाइस. लाइक, शेयर एन्ड सब्सक्राइब. बाई बाई.